आज एक मजेदार टॉपिक में बात करेंगे। आज बात करेंगे आर्मी सिपाही से आप कौन से रैंक तक जाते हो, कितने साल में जाते हो, कितनी आपकी पेमेंट स्ट्रक्चर रहता है, हर एक रैंक की मैं आपको बताऊंगा। अग्निवीर को यहाँ पर हम लेफ्ट कर देंगे। अग्निवीर का कोई भी रैंक नहीं है। मान लीजिए सपोज आप अग्निवीर दे रहे हो तो यहाँ पर आपकी माइंड में घुसा लो कि आप परमानेंट हो चुके हो, ठीक है। यहाँ से आपकी जर्निंग स्टार्ट होता है, 4 साल के बाद 1 साल से शुरू हो जाता है। आपकी जो 4 साल की सर्विस है वो काउंट नहीं होता है। आपका जो 1 साल जहाँ से आप जिस दिन से आप परमानेंट हो जाओगे वहाँ से आपके सर्विस काउंट होगा। तो यहां से लेके आपकी 2 टर्म्स ऑफ सर्विस रहता है, चाहे मेडिकल असिस्टेंट हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, सिपाही फार्मा हो या फिर आप अग्निवीर में जा रहे हो। एक रहता है 15 साल में आप घर जा सकते हो और 15 साल के बाद कभी भी जा सकते हो और लास्ट में 32 साल के बाद आप खुद ही फौज आपको भेज देगा, ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते हो तो। ऐसे बहुत सारे लोग है जो यूपी और हरियाणा से, वो आना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन फौज उनको भेज देता है, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर क्या होता है, 15 साल के बाद आपको पेंशनर बन जाते हो। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का अभी तक पेंशन है और आप पेंशनर बन जाते हो 15 साल की सर्विस के बाद। बात आता है, दोनों समझ गए कब कब आप जा सकते हो। 15 साल के बाद कभी भी जा सकते हो और 32 साल के बाद तो आपको फौज भेज ही देगा। अगर आप 15 साल से क्या बोलते हैं पहले चले जाते हो, वहाँ पर आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 14 साल 6 महीने में चले गए तो आपको कोई पेंशन नहीं मिला जाएगा, आपको एक सर्विस में नहीं बोला जाएगा, समझ गए, क्लियर हो गया। तो 15 साल के बाद ही जाना है, समझ गए। अभी आते हैं रैंक स्ट्रक्चर में। देखिए तो थोड़ा बहुत प्रमोशन में फर्क होता है। जो इंडियन आर्मी के क्लर्क होता है वो बहुत ही फास्ट प्रमोशन होता है उसकी, वो 5 साल में हवलदार बन जाता है। रैंक बता दो, पहले आप जब एंट्री करते हो या फिर परमानेंट हो जाते हो अग्निवीर से, फर्स्ट रैंक काम का रखता है सिपाही, देन लेसनायक, नायक, लेस हवलदार, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, समझ गए, इतना रैंक होता है। डिटेल में बताऊंगा भाई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चैनल में नया हो तो थोड़ा सा अगर लगता है आप ये चैनल यूजफुल है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, पुराना हो तो प्लीज़ भाई लाइक कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा आर्मी सेल ऑफिशियल, स्क्रीनशॉट आपके सामने है, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। 700 से 800 बंदे जुड़ चुके हैं, यहाँ पर हम डेली बढ़िया बढ़िया अपडेट उनको देते हैं, ठीक है, कोई गाइडनेस भी देते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आप जो भर्ती होते हो गए सिपाही, और सभी के लिए बता रहा हूँ, अलग अलग नहीं पूछना कि टेक्निकल का क्या है, नर्सिंग का क्या है, सिपाही फार्मा का क्या है, क्लर्क का बता दिया, ये 5 साल में हवलदार बन जाते हैं, ठीक है। बाकी का तो लगभग उसी टाइम में लग जाता है, 6 महीना 1 साल अल्टरनेटली, मतलब अप एंड डाउन हो सकता है। तो शुरू करेंगे फास्ट हम सिपाही से भर्ती हुए। यहाँ पर अगर स्टार्टिंग सैलरी हम 35,000 के अप्रोक्स मान के चलेंगे, ठीक है, किसी का यार 100, 150, 500 ऊपर नीचे हो सकता है, अभी उसके लिए कैसे करेंगे, ठीक है, एक अप्रोक्स लेके चलेंगे। आपको एक नॉलेज होना चाहिए, 35,000 का आपका टोटल सैलरी बनेगा। वहाँ से आपको लेसनायक बनने के लिए 3 साल से 4 साल लग जाता है, एज पर रूल 4 साल के अंदर आपको बनाना चाहिए। तो 4 साल वहाँ से लग गया आपको लेसनायक बनने के लिए। लेसनायक बनने के बाद आपका पेमेंट करीबन 40,000 के आसपास पहुँच जाता है। वहाँ से लेसनायक से फिर आप नायक बनोगे 4 साल के बाद, यानी 8 साल की सर्विस में आप नायक बनोगे और आपको फौज में बुला जाएगा NCO, दैट मीन्स नॉन कमीशन ऑफिसर, ठीक है। वहाँ पर नायक बनने के बाद नायक को कैसे पहचानोगे, इनकी जो ये राइट साइड में ऐसे 2 V कलर का फित्ती होगा तो वो नायक है, एक होगा तो वो लेसनायक है, अगर कुछ नहीं होगा तो वो सिपाही है, समझ गए। तो नायक बनोगे आप 8 साल के बाद, आपकी पेमेंट वहाँ पर 40,000 से अबव होगा, समझ गए, क्या बोलते हैं 45,000 के आसपास होगा, 40,000 से अबव मतलब 45,000 का आपका आसपास आपका पेमेंट रहेगा। उसके बाद आपका क्या, फौज में आप NCO कहलाओगे 8 साल में। फिर वहाँ से लेके 3 साल में, यानी 3 से 4 साल मतलब 11 या फिर 12 साल तक आप बनोगे हवलदार। उसके बीच में एक लेस हवलदार रैंक होता है, ये डिपेंड करता है आपके CO के ऊपर। CO अगर आपके देखे कि आप बहुत अच्छा काम किया, इसको लेस हवलदार का एक रैंक दे देता हूँ, तो CO देते, कोई उसका प्रमोशन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, प्रमोशन नहीं होता है उसका, मतलब एक 3 फीती लग जाते, 2 नायक क्या था 3 हो जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा पे कितना मिलेगा लास्ट हवलदार में, वहाँ पर आपका 2% ऑफ बेसिक पे, यानी मान लीजिए 1,000 के पास एक्स्ट्रा पेमेंट आपका बढ़ जाएगा। वो रैंक को इतना वैल्यू नहीं होता है। नायक से सीधा आप हवलदार बनते हो 12 साल में। 12 साल में जो आपकी पेमेंट स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पर 45,000 से लेके 60,000 तक रहेगा। हवलदार एक बहुत तगड़ा रैंक है इंडियन आर्मी का। तो यहाँ पर 45,000 से लेके 60,000 के अंदर डिपेंड करेगा आपकी सर्विस कितना है, वो भी फैक्टर डालता है इसमें, बेसिक पे भी फैक्टर डालता है, लेकिन मैं एक आपको आइडिया, अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे रहा हूँ, समझ गए। इसका बेसिक पे थोड़ा बहुत किसी का 29,200 बेसिक पे के हिसाब से है, किसी का 30,000 के बेसिक पे के हिसाब से, तो अलग अलग है। मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया देता हूँ, इस रेंज में यहाँ तक सैलरी हो सकता है।
तो जो आप नायक से लेकर हवलदार बनोगे आपकी 45 से लेकर 60,000 तक सैलरी हो जाएगा, 3/5 आपके लग जाएंगे, आपकी कोई भी नाइट ड्यूटी नहीं रहेगा, आपकी ओनली डे ड्यूटी रहेगा वहां पर। यहाँ पर आपकी जो अदर रैंक्स का जो रैंक खत्म हो गया वहां पर से आपका और टेस्ट होगा। अगर आप JCO कैडर पास कर लेते हो यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर की एग्जाम पास कर लेते हो वहां पर से आपको तकरीबन 6 या 8 साल का यानी 18 से 20 साल के आसपास आप बनते हो JCO, और फर्स्ट रैंक आपको मिलता है नायब सूबेदार, जिसमें 1 स्टार यहां पर रहता है, साइड में एक चिंदी रहता है, दैट मीन्स कॉल्ड एज नायब सूबेदार। यहां पर उसकी जो सैलरी वेरी करता है 60,000 से लेकर 70,000 तक आपकी सैलरी हो सकता है, समझ गए। वहां पर से 4 साल के बाद आपको वैकेंसी के हिसाब से कभी 4 कभी 5 साल कभी 3 साल में सूबेदार बना दिया जाता है। दैट मीन्स हम एक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लेके चल रहे हैं तो हम मानते हैं कि हम 20 से लेकर 22 साल के अंदर नायब सूबेदार बने, वहां से 4 साल यानी 26 साल में हम सूबेदार बने। तो सूबेदार में 2 स्टार्स होते हैं, आपने नीरज चोपड़ा को देखा होगा जेवलिन थ्रो वाला, वो भी सूबेदार है सेना में, तो उनकी जो सैलरी होता है वो 17,000 से लेकर 80,000 तक होता है, समझ गए, उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है तो इनके बीच में उनको मिलता है। तो सूबेदार बन गए, उसके बाद आपका एक रैंक और है आपकी जो काम को देख के दिया जाता है, 26 साल के बाद आपको बना दिया जाता है सूबेदार मेजर। जरूरी नहीं है कि 26 साल के बाद बनो, 24-25 में भी बन जाता है कोई कोई, ठीक है। तो यहाँ पर सूबेदार मेजर बन जाते हो, आपकी एक मेजर की तरह अशोक स्तंभ रहता है, लेकिन ये सूबेदार मेजर बोलते हैं, उसको मेजर नहीं बोलते, मेजर ऑफिसर्स में होता है, सूबेदार मेजर JCO में होता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स में, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बात भी किया था कि ORs क्या होता है, JCO क्या है, अदर रैंक्स क्या होता है, अगर आपने वीडियो देखते हो लगातार तो आपको इसके बारे में क्लियर होगा। एक अशोक स्तंभ रहेगा, इसमें कंधों के ऊपर एक चिंदी रहता है, तो उनको बोलते हैं सूबेदार मेजर। तो यहाँ पर आप सूबेदार मेजर बन जाते हो और ये आपकी पेमेंट स्ट्रक्चर रहता है। तो 32 साल कंप्लीट होने के बाद या फिर उससे 2-3 साल पहले सरकार आपकी जो काम है आपके काम को देख के, सर्विस ऑफ रिकॉर्ड्स आप पहले से कैसे काम किया है उसको देख के आपको 2 ऑनररी रैंक से सम्मानित किया मतलब करता है। अगर आपके काम अच्छा पाया गया, आपकी कोई भी रिकॉर्ड ऐसे इनडिसिप्लिन वाला नहीं है, तो एक तो पहले रैंक होता है ऑनरी लेफ्टिनेंट, जिसमें आप लेफ्टिनेंट बनते हो वहाँ पर, तो वहाँ पर आपके 2 स्टार्स रहता है, और डिपेंड करता है आपकी जो चिंदी होता है ना सूबेदार में वो हट जाता है, सिर्फ ओनली 2 स्टार्स रहता है, आप एक ऑफिसर लेवल में हो जाते हो और आपकी जो पेमेंट है 95,000 से लेके 1,05,000 तक आपकी पेमेंट चला जाता है। उसके बाद आपके काम अगर बहुत अच्छा है उसके बाद आप जाते जाते यहाँ पर आपको ऑनरी कैप्टन भी किसी किसी को दिया जाता है, जिसमें आप कैप्टन साहब बनते हो और आपकी जो सैलरी रहेगा 1,20,000 तक वेरी कर सकता है, 1,05,000 से लेके 1,20,000 या फिर 1,30,000 तक आपकी सैलरी स्ट्रक्चर पर महीना यहाँ पर बन सकता है। तो आपकी जो लास्ट रैंक रहेगा वो ऑनरी कैप्टन रहेगा। ये जो ऑनरी रैंक है ये गवर्नमेंट आपको सम्मानित करते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं आपके काम के हिसाब से आपकी रिकॉर्ड जाता है वहाँ पर, जब आप पेंशन जाते टाइम होते हैं तो यहाँ पर डिपेंड करता है, किसी किसी को ये नहीं भी मिलता है, किसी किसी को ये मिलता है उनके सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड को देख के। अगर आपके जो प्रमोशन स्ट्रक्चर देखे वो सूबेदार मेजर तक है, उसके बाद 2 ऑनररी रैंक है, ऑनररी लेफ्टिनेंट ऑनररी कैप्टन। इसको थोड़ा सा इजीली समझने के लिए ऑनररी रैंक क्या होता है आपको पता होगा, मैं कुछ दिन पहले ऑनररी रैंक का एक वीडियो डाला था MS धोनी के बारे में, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, उनको किस हिसाब से कैसे क्या किया गया आपको उसे क्लियर हो जाएगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, कितनी सैलरी मिलेगा, कहाँ तक हम जा सकते हैं, कितनी साल नौकरी कर सकते हैं, कब से पेंशन आ सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल, और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके पास पहुंचे और उससे कुछ आपको सीखने मिले। जय।